चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सरकार जो समिति में पैसा है ना, वो गन्ना समिति हो या दूसरी समिति हो, उसके मंत्री बन गए अमित शाह। उनका टारगेट है कि 2047 तक ये बहुत सी जमीनें व्यापारियों के पास में चली जाएगी। अब स्थिति शून्य पे है, अब उसका नीचे जाएगा तो किसान का नुकसान तो बिल्कुल तराजू बीच में आ गया। अब कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ेगा ना। नाम आपके लिखा जाता है, पोल्यूशन किसान का है ही नहीं, लेकिन दिल्ली के कागज में लिख गया कि पोल्यूशन किसान फैला रहा। आदरणीय सभा के अध्यक्ष जी, सभी थंबेदार चौधरी, हमारे जितने भी पदाधिकारी है, किसानों, नौजवान साथियों, बच्चों, हमारी बहने, आज बड़ी पंचायत यहाँ पे फुगाना में ये हुई। इसमें पहले भी पंचायत यहाँ पे हुई जब टिकेट साहब थे, आते थे। अच्छा, यहाँ पे ये मेडिकल हॉस्पिटल, और जो सबसे आज की जो बड़ी समस्या है वो है सामली शुगर फैक्ट्री। वहां पर उस दिन भी बड़ा रोष था लोगों में, और कोई अगर बातचीत करना चाहता था तो जनता उसका रेप करती थी। हमने उस टाइम भी कहा कि फैक्ट्री चलनी चाहिए, आंदोलन अपनी जगह है और गन्ना किसानों की समस्या अपनी जगह है। यहां पर बहुत लोग बैठे, उन सबका गन्ना जाता होगा, लेकिन यह है कि सामली शुगर फैक्ट्री का एक भी किसान यहां नहीं होगा। चलो, जिसका जा रहा है दूसरी फैक्ट्री पर जा रहा, अगर समर्थन करना है तो समर्थन, यहां पे दो जिलों के लोग बैठे हैं यहां पे, या तो उनकी फैक्ट्री भी चलो ये समर्थन करो, या फिर ये फैक्ट्री भी बंद करो सारी की सारी। भाई कौन कौन है जिनका गन्ना जा रहा, हाथ उठाओ जरा कि भाई मैं गन्ना नहीं देने का, और मैं ट्रक रोकूंगा वहां पे। ये है कि वे लोग भी वहां पे फंस रहे हैं। अगर वे वहां से घोषणा भी ये कर देते हैं कि पेमेंट भी नहीं मिला और हम उठकर चले जाए, तो उनकी हालत ठीक नहीं है। यहां से एक कमेटी बन जाए, यहां पे निर्णय लो, प्रशासन से बात करो, कुछ मुजफ्फरनगर के लोग चले जाए। ये कि फैक्ट्री चल जाए, धरना उनका चलता रहे, गन्ना जाता रहेगा, भुगतान होता रहेगा, नए भुगतान की व्यवस्था हो जाए, कुछ जो वो देना चाहते हैं वो हो जाए, एक रास्ता निकले। लोग अब ये चीजें कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश की फैक्ट्री चल रही, हमारी नहीं चल रही। ये चर्चाएं लोग कर रहे हैं, अगर उनका साथ देना तो भाई अब अपना गन्ना देना बंद करो। सभी लोग खोतोली पे भी जा रहा, बुढ़ाने पे भी जा रहा, किताबी पे भी जा रहा, पशु भी है आगे, गेहूं भी बोने हैं, या उनके गन्ने का डाइवर्जन हो दूसरी जगह जाए, उनका समाधान निकलना चाहिए। कलवल तक एक कमेटी यहां से चुनी जाए, उन लोगों को भी समझाओ, कुछ थोड़ा सा वे पीछे हट जाए, कुछ एक रास्ता निकले आगे, जैसा भी होगा कम से कम पिलाई तो शुरू हो ना। मेन समस्या तो गन्ने का हाल यह है कि जैसे मुर्दा घर में पड़ा है। इतने ये अप्रैल तक नहीं जाएगा तो आगे भी रास्ता नहीं बढ़ेगा, ये तो कटिंग भी नहीं होता खेत में, ये निकालना ही निकालना है। तो ये समाधान निकाल ले। रतन मान जी ने बताया कि गन्ने का रेट वहां पे आज भी 20 जगह आंदोलन चलते रहते हैं, यहां पे आंदोलन कम है। मुद्दे तो बहुत है लेकिन आंदोलन कम है। वहां पे भी एक मीटिंग पुरकाजी में हुई तो उसमें ये कहा कि जिला अध्यक्ष को पता रहना चाहिए कि कहां मूवमेंट किस उस पर हो रहा है,
उसका मतलब ये नहीं कि जिलाध्यक्ष का मतलब है कमेटी जो जिले से ऊपर की कमेटी है, कहीं पे भी धरना प्रदर्शन कोई इशू हो तो उन सबको पता रहना चाहिए कि ये इशू है। या तो सरकार बातचीत से मान लें, अधिकारी बातचीत से मान लें, अगर बातचीत से नहीं तो कहां बैठना पड़ेगा। ये भी नहीं कि 24 घंटे आप बैठे रहो, आप अपनी बात को चिट्ठी लिख कर दो उनको, जब आप चिट्ठी में लिख कर दोगे तो वे करेंगे, नहीं करेंगे तो मैंने तो करेंगे ना, पता चलेगा कि ये काम नहीं करा तो लिखत पढ़त में लेकर आओ। इसको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से वो मुजफ्फरनगर की पंचायत हुई तो ये लग रहा कि वहां पे बड़ी पंचायत होगी, अधिकारी को टाइट कर दिया और अब उनसे कोई संबंध नहीं है। अधिकारी तो ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, उसका कोई होता तो अपना टाइम कटेंगे रिंसर चले जाएंगे। 15 तारीख का किसान दिवस था, किसान दिवस ना मुजफ्फरनगर में हुआ ना शामली में शायद हुआ होगा, तो प्रभारी बनाने पड़ेंगे भाई। जिलाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी नहीं, उसके भी बहुत काम है जिलाध्यक्ष के लिए। हर जिले का एक प्रभारी बनाना पड़ेगा किसान दिवस का, क्योंकि सभी लोग कह देते हैं जी हमारे आदमी का, उसमें काम निकल जाते हैं, अधिकारी से संबंध बने रहते हैं, अपनी बात तो अधिकारी को कह सके। तो यह है कि अपनी कमेटियां गठन करो, मेंबरशिप बढ़ाओ, और जो मुद्दे हैं बिजली के हैं, थानों के हैं, भूमि अधिग्रहण के बहुत इशू हैं, ये यहां की सड़क बन रही, क्या कट जब तक आंदोलन चलेगा नहीं या धरना देंगे तो भाजी और ये जो कट है ये लगेंगे नहीं। हमने कहा कि आंदोलन नहीं होगा, कट देखकर ना लगे, लेकिन खाली प्रधान के भरोसे मत रहना कि प्रधान को कह दिया वो आंदोलन चला जाएगा। प्रधान है आधा सरकार का आदमी, उसके भरोसे नहीं। ये बहुत काम प्रधान से अलग होते हैं, जो मूवमेंट के काम है। प्रधान को तो उनकी हां करनी पड़ती है सरकार की। तो ये सारे काम है जो कमेटियां काम कर रही है, वे काम करती रहे। अपने जिस गांव में अध्यक्ष नहीं है, पहले जब मेरठ आंदोलन चला तो उस टाइम तो कोई आदमी गांव में नहीं गया था कमेटी बनाने। टिकेट साहब ने कहा भाई अपने गांव की कमेटी बनाकर जमा करवा दो। सबने गांव की मीटिंग करी, कमेटी बनवा के जमा करवा दी, वही मान ली। समिति के प्रभारी बनेंगे, समिति स्तर की छोटी छोटी मीटिंग करो। सरकार जो समिति में पैसा है ना, वो गन्ना समिति हो या दूसरी समिति हो, उसके मंत्री बनेंगे अमित शाह। जितना भी इसमें फंड है सारा जाएगा। सरकार की नजरें समितियों पे, हम छोटे उस पर इकाई पर काम कर रही। हमने कहा भाई ट्रैक्टर प्रमुख बनने हैं, उसके सिर्फ नाम देने हैं, आपको किसी का नाम नहीं है आज तक। ये तो कहते हैं जी हम अपने आप बढ़ा देंगे, हम अपने आप छपवा कर उसको दे देंगे। भाई आप नाम दे दो, जो ट्रैक्टर आंदोलन में जाते हैं नहीं भी जाते हैं किसी को देना, उसका नाम पता दे दो, वहां से उसका कार्ड बनेगा, लेमिनेशन होगा, आपके गांव में आ जाएगा और उसको बांट देना। कम से कम वो डाटा हमारे पास में इकट्ठा हो जाएगा ऑफिस में, जब कभी पता करना होगा तो इस गांव में कितने हैं उनको अपना फोन कर दिया भाई ट्रैक्टरों की क्या व्यवस्था है क्या है, तो वहां से सीधी बात भी कर लेकर। समिति के प्रभारी, क्योंकि छोटे स्तर पे काम करना पड़ेगा। यहां पर अगर पुगाने में अकेले पूरा क्षेत्र को इनको जानते हैं बस, यहां पर और के किसी का नंबर है ही नहीं। ओमपाल क्या क्या काम कर लेगा। अब संगठन मजबूत रखना पड़ेगा, जमीन पे जो सारी राड है वो जमीन पाएगी, जमीन कैसे बचेगी। ये उनका टारगेट है कि 2047 तक ये बहुत सी जमीनें व्यापारियों के पास में चली जाएगी। आप देख रहे कि बाहर का व्यापारी सब जमीनें खरीद रहे हैं, आप सड़क की जमीन बताओ,
आप 50 लाख रुपए बीघा की बताओ, 1 करोड़ की बताओ, वही खरीद लगा। आप पता कर लेना कौन खरीद रहा। उनको पता कि सड़क की जमीन खरीद लो, पीछे की जमीन सस्ती आती है, फसलों के दाम नहीं है, पढ़ाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल है, ये देख लो क्या हाल है। ये हॉस्पिटल है, ये देख लो, ये हॉस्पिटल है। फंड बहुत आ रहा, फंड की कमी नहीं है, सरकार पैसा बहुत दे रही है, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार और नेता तीनों मिल गए, अपना सब लपेट रहे। तो अपने संगठन पे भी काम करो, और जो ये मुद्दा है जनसीन मुद्दा, शामली है शुगर फैक्ट्री, वो भी लाचार है, वो कह नहीं सकते कि हम कैसे उठ कर जाएंगे। लोग कहेंगे जी उठ के चले गए, भुगतान दिलवा लू। तो पंचायत का जो संबंध है, पंचायत यही तो है कि कोई आदमी फंस गया उसको कैसे निकाल लोगे। वे भी बैठ गए, उन्होंने बहुत दिन आंदोलन चला, फैक्ट्री ने पैसे नहीं दिए, बस है। लेकिन एक टाइम तो भी जीरो बिंदु तो आएगा ना, जो शून्य होता है। अब स्थिति शून्य पे है, अब उससे नीचे जाएगा तो किसान का नुकसान होगा, बिल्कुल तराजू बीच में आ गया। अब कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ेगा ना उसको। तो ये एक बड़ा इशू है। और जो अगली पंचायत के साथ इन्होंने ऊन में बात करी, ऊन में करिए तो अगली 17 तारीख की पंचायत ऊन की करिए, तो वहां पर हरियाणा के लोग भी वहां पे आ जाएंगे। और इन्होंने खैर लड़के पैसा तो लिया, लेकिन एक चीज है मान साहब, आपके यहाँ भाड़े के 20 रुपए कटते हैं, वो आंदोलन जरूर चलाओ, यहाँ पे 8 रुपए ज्यादा से ज्यादा, वो भी बराबर शराब बनती है। हाँ, लेकिन वहां पे 20 है, इसको बता था मान साहब को भी कि ये भी वहां पे उठाओ। ये भाई जब यूपी में 8 रुपया है, 8 रुपए 25 पैसे हैं, और वहां पे 20 रुपए काट रहे हैं, तो कम से कम ये इशू हो जाएगा कि तो 7-8 रुपए में हमारे किसान के बच जाएगा। वहां पे बिजली का रेट 15 रुपए आस पावर है, यहाँ पे 175, अब 100 वाट कराए उन्होंने। एक पुराली का उसका भी बड़ा इशू चल रहा, पुराली पार्टी का, तो उसमें अपना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी वो है और बहुत बुरी स्थिति भी होती है पोल्यूशन की, तो उसमें अपना भाई देख के अपना काम करो, उसका कटिंग भी कर ले करो। यहां से मंचू से कोई अब उस तरह की घोषणा नहीं होगी, उसको जला दे करो, उसका दूसरा भी निस्तारण है। और हमने सरकार को भी कहा कि उसकी इस तरह की व्यवस्था बने। ये हरियाणा में अब हरियाणा ने पंजाब ने कंट्रोल कर लिया बहुत, उसके वे बंडल बनते हैं अब वहां पे, तो यहां पर तो ऐसी पत्ती है, पत्ती तो वो तो गल जाएगी, या उसको कटिंग कर लो, उसको गिंडस्ट्री में जाकर कटिंग भी कर लो ना, पशु के नीचे डाल लो उसको, नाम आपके लिखा जाता है, पोल्यूशन किसान का है ही नहीं। लेकिन दिल्ली के कागज में लिख गया कि पोल्यूशन किसान फैला रहा, यहाँ पे तो पोल्यूशन है नहीं, अब बिल्कुल साफ मौसम है, लेकिन दिल्ली में जाकर देखो कि सांस नहीं ले सकते। हमने कहा भाई पंजाब और हरियाणा में तो पुराली का काम 20-25 दिन पहले खत्म हो गया, लेकिन उनके कागजों में आज लिख रहा कि हरियाणा पंजाब में पुराली जल रही है, उनके कागजों में लिख लिया उन्होंने कि पोल्यूशन यहां होगा, आप बताते रहो इनको। तो आप और लोग भी हैं सब हमारे जो खाप चौधरी हैं, वे आए हुए हैं, आप उनकी भी बात सुने। आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद संविधान। Thank you.